राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है नवोदय विद्यालय की सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु सहायक सामग्री के रूप में किशोर भारती भाग दो में संकलित राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित नाटक विजय पर्व। तुम क्या गुनगुना रही हो? इस पत्थर पर मेरा चाकू तेजी नहीं हो रहा। क्या तेरा चाकू भी मेरा गाना सुन रहा है? पर आज चाकू तेज करने की तुझे क्यों सूझी? आज तो तेरी वर्षगांठ है। वर्षगांठ? मेरी वर्षगांठ पर तो हथियारों की पूजा होनी चाहिए ना माँ? पूजा? हाँ तो माँ, क्या ये वर्षगांठ वैसी ही होगी जैसे पार्सल हुई थी? हाँ बिल्कुल वैसी ही। इस वर्ष गांठ पर तू 12 वर्ष का हुआ। बेटा, मैं तो आशीर्वाद देती हूँ कि इसी तरह तेरी बहुत सी वर्ष गांठें मनाई जाएं। तू दिन दूना रात चौगुना बढ़े। माँ बताओ, आज वर्ष गांठ में क्या क्या करोगी? क्या करूंगी? अपने प्यारे बेटे को नहलाऊंगी, चंदन लगाऊंगी, फूलों की माला पहनाऊंगी और फिर मैंने तेरे लिए बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी बनाई हैं। देख देख, उस कोने में रखी हुई है। हाँ। मिठाइयों के साथ खीर खिलाऊंगी, तुझे असीस दूंगी। पर माँ, मेरे साथ तुझे भी खाना पड़ेगा। तुझे भी अपनी वर्षगांठ आज ही मनानी पड़ेगी, अभी मेरे साथ। मैं अकेला इतनी मिठाइयाँ नहीं खा सकता। नहीं, तेरे खाने के बाद खा लूंगी। बस दूध भर आ जाए, खीर बनाने में देर ही क्या लगती है। पानी उबल रहा है। अभी दूध नहीं आया। सूरज चढ़ा है, अभी तक सुजान दूध लाए ही नहीं। जाने क्यों नहीं लाया? मैं ले आऊं? सुजान आता ही होगा बेटा, तू कहाँ जाएगा? सुजान का घर है ही कितनी दूर, रास्ते से जरा हटकर उत्तर की तरफ है ना, उस शीशम के पेड़ के नीचे ही उसकी झोपड़ी है। मैं अभी ले आऊंगा। तू ऐसी बातें करता है तो जा, पर जल्दी लौटना, आज तेरी वर्षगांठ है ना। मैं अभी लौट कर आया माँ। मुझे एक बर्तन दे दो, मैं अभी दूध लाता हूँ। अरे चाकू अब तेज हो गया है, इसे मैं अपने पास रखूंगा। अरे चाकू तेरे किस काम आएगा? अच्छा ये ले बर्तन। हाँ माँ। बेटा जल्दी ही लौटना। अच्छा माँ, मैं अभी आया। मेरा भोला बच्चा बलकरन अभी से कैसी वीरता की बातें करता है। बलकरन मेरा बेटा, मेरा साहसी बच्चा। ये भगदड़ कैसे मच रही है? अरे बहन भाग चलो, जल्दी जल्दी। अरे वो तैमूर आ रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अरे भागो! आ रहे हैं वो सब लोग। अरे हम लोग, अरे अरे भागो, चलो चलो। अरे कैसा तैमूर? कहाँ का तैमूर? अरे तुम नहीं चलोगी, वो आया। अरे वो आया, भागो! कल्याणी सबको छोड़कर जल्दी से भागो, जंगल में छिप जाओ, नहीं तो घर के तलघर में ही चली जाओ। नहीं, चलो मेरे साथ। नहीं बलकरन, मेरा बलकरन तो अभी आया ही नहीं, उसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कहाँ गया है बलकरन? वो दूध लेने गया है सुजान के घर। सुजान के घर? हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा है, तब तो उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। सुजान का घर खास रास्ते से बहुत दूर कोने में है, अब वो लोग सीधे रास्ते से चले आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? कौन आ रहे हैं? तुरक, इस बार तैमूर तुरक आया है, बड़ी भारी फौज लिए हुए। तैमूर तुरक? हाँ। बड़ी भारी फौज? हाँ। अब समय बिल्कुल नहीं रहा, बलकरन का कुछ नहीं होगा, जल्दी से चलकर तलघर में छिप जाओ। नहीं नहीं नहीं, बलकरन को आने दो, मैं बलकरन के बगैर नहीं जाऊंगी। मेरा बलकरन, बलकरन!
बहन बहन चुप रहो, तू रख सुन लेगा, जल्दी चलो जल्दी चलो। सरदार तख्त के नीचे भी कोई नहीं है। मुबारक जी सरदार। इस वक्त आदमियों को कत्ल करने का हमारा उतना मकसद नहीं है जितना सोना और चांदी लूटने का। इस घर में देखो कहीं है? अब कहीं कुछ नहीं है सरदार, मामूली सी झोपड़ी है, भला इसमें सोना चांदी कहाँ? अरे बेवकूफ हो तुम, इन तस्वीरों को पलटो, इनके पीछे दीवार में कुछ होगा। ये लोग अपना सोना चांदी दीवारों में रखते हैं। जो हुक्म सरदार। कहीं कुछ नहीं है सरदार। सरदार अगर सोना चांदी उन लोगों के पास होगा भी तो वो लोग अपने साथ लेकर भाग गए होंगे। अरे देखो देखो उस कोने में क्या है? कुछ बर्तन मालूम होते हैं सरदार। ये है। शाबाश, क्या है? सोना चांदी? सरदार सोना चांदी तो नहीं, लेकिन उससे भी ज्यादा कीमती चीज है जिसकी आपको और हमको सख्त जरूरत है। क्या सरदार? बहुत बढ़िया खाना, तरह तरह की मिठाइयाँ। ओ सरदार बिल्कुल ताजा और गरम गरम। सरदार आप बहुत भूखे हैं, कुछ खा लीजिए, फिर तो दिन भर हम लोगों को लूट और कत्ल करना ही है। नहीं नहीं नहीं, फेंक दो सरदार। लेकिन अच्छा इधर लाओ। सरदार मालूम होता है जल्दी में लोग खाना भी ना खा सके, वैसे का वैसा ही रखा हुआ छोड़ गए। हाँ गरम मिठाइयाँ हैं, अरे लो तुम भी खाओ। अरे भूखे हो गए? सरदार नोश फरमाए। हाँ हाँ मैं खाऊंगा, लो तुम तो लो, अच्छी मिठाइयाँ हैं जी। लो अली बेग तुम भी लो। सरदार तो कबूल करें, दरअसल ताजा है। अब बहुत ही लजीज, दो दिनों से खाना नसीब नहीं हुआ, अब जाकर के मिठाइयां सामने आई है। खुदा का फजल है सरदार। लेकिन सरदार रुक जाइए। क्यों? कहीं इन मिठाइयों में जहर तो नहीं मिला? अरे बेवकूफ हो तुम मुबारक, यहाँ के लोग इतने सीधे हैं कि वो ये सब बातें करना जानते ही नहीं, और फिर हमने अपना धावा इतनी जल्दी बोला है कि किसी को ऐसा करने का सोचने का वक्त ही नहीं मिल सकता। सरदार सच फरमाते हैं। और फिर दो दिनों के बाद इतना अच्छा खाना नसीब हुआ है, अरे भूख प्यास से बुरा हाल है। अरे भाई अगर इस तरह मरना है तो फिर और मिठाई खाकर ही क्यों ना मरे। सरदार ने क्या बात कही है, मिठाई खाकर ही क्यों ना मरे। भाई वाह। भाई वाह, सच बात है सरदार, अगर भूख से मरना ही है तो फिर ये चीज क्यों छोड़ी जाए। अरे इसीलिए मैं खा रहा हूँ। वाह क्या कहना है, यहाँ के लोग मिठाइयाँ बनाना भी खूब जानते हैं। सरदार मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि वे लोग हम लोगों के लिए ही मिठाइयाँ बनाकर छोड़ गए हैं। अरे ये कैसे? ये ऐसे कि उन्होंने ये समझा होगा कि ये मिठाइयाँ खाकर हम लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा, लूटमार हम कम करेंगे। हम लोगों का गुस्सा कम हो जाएगा, लूटमार कम करेंगे। चुप रहो कमबख्तो। बदबख्तो इसी तरह तुम हिंदुस्तान की दौलत गाजी तैमूर के खजाने में भरोगे। जब तुम्हें कत्ल करना चाहिए तब तुम आराम से तख्त पर बैठते हो, जब तुम्हें जवाहरात ढूंढने चाहिए तब तुम नाश्ता करते हो, और जब तुम्हें धावा बोलना चाहिए तब तुम लोग मिलकर कह कहे लगा रहे हो। जवाब दो। मैंने अफगानिस्तान के बाद हिंदुस्तान पर रुख इसलिए किया था कि मेरे सिपाही दौलत लूटने के बदले आराम से खाना ढूंढते फिरे। मैं बिन जतलाए देखना चाहता था कि तुम किस तरह मेरे हुक्म को अंजाम दे रहे हो, इसलिए मैंने अपने सब सिपाहियों को बाहर छोड़ दिया है। मैं देखता हूं कि तुमने मेरे जिहाद को चटोरेपन का तमाशा बना दिया है। तुम यहां मौज से खाना खाओ और गाजी तैमूर 3 दिनों से भूखा रहे और रात दिन हुक्म देता रहे। मैंने तुम्हें क्या हुक्म दिया था? हुजूर बुलंद इकबाल ने हुक्म फरमाया था कि
आज शाम तक अमरकोट पहुंच जाना है। तो अमरकोट पहुंचने का ये रास्ता है? बदबख्त, गाजी तैमूर के सिपाहियों को रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी किस पर है? तुम पर। और तुम ऐश करते हुए अमरकोट का रास्ता खोजोगे? मेरे हुक्म को किसने अंजाम दिया? तुमने? तुम्हारे सिपाहियों की तलवारों पर खून का एक धब्बा भी नहीं है। तुम लोग सिपाही हो? तुम लोग तैमूर को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो। बोलो, क्या चाहते हो? खाना खाने के बाद तुम्हारे लिए नाच गाने का इंतजाम भी किया जाए? जाओ, आज शाम तक अमरकोट पहुंचने का मेरा हुक्म पूरा हो। जाओ। दोज़ख के कुत्ते, गला सूख रहा है, 3 दिनों से खाना नहीं मिला, कल से पानी भी नसीब नहीं हुआ, गला सूख रहा है, ये सब खाली है। कमबख्तों ने कुछ भी नहीं छोड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी किस्मत में आराम कहाँ। दूध? ये सब क्या? ए, तुम कौन हो? माँ, माँ, मेरी माँ कहाँ है? इस तरह घर में घुसने वाले तुम कौन हो? खामोश! गाजी तैमूर से ये नाचीज सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमबख्त, अगर बात पूछने की तमीज नहीं है तो खामोश रहे। इस नाम से वाकिफ नहीं है? दुनिया का जर्रा जर्रा जिसके कदमों को चूम चुका है उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो? कमबख्त बच्चे, मेरी तलवार से पूछ, ये तेरे खून में डूबकर तुझे मेरा नाम बताएगी। लेकिन ठहर, ये दूध इधर ला, इस वक्त खुदा ने मेरे लिए भेजा है। ये दूध मेरी वर्षगांठ के लिए है। साफ जुबान में बात कर जो समझ में आए। सामने दूध हाजिर कर। नहीं, मैं माँ के सिवाय किसी को नहीं दे सकता। क्या? लेकिन मैं ले सकता हूँ। ये दूध मेरा है कि नहीं? अब तुझे इस तलवार से काट दूँ? क्या तुम तुरक हो जो खून बहाना चाहते हो? मेरी माँ यही कहती थी। तू बड़ा निडर मालूम होता है। सामने आ, मेरी तलवार से कटने का फख्र हासिल कर। मेरे पास सिर्फ एक चाकू है, मेरे हाथ में भी एक तलवार दो। तू मुझसे दो हाथ लड़ने का हौसला भी रखता है? अच्छा, पहले दूध पीऊंगा, गला सूख रहा है। ये क्या, तूने मेरी तलवार उठा ली? तुम्हारी तलवार अब मेरे हाथ में है, अब तुम मुझसे लड़ सकते हो। सामने आ। सामने आ? शाबाश, लेकिन मेरी तलवार तुझसे संभल नहीं सकेगी बच्चे। इधर ला। जैसे दूध छीन लिया था वैसे तलवार भी छीन लो। छीन लूं? हाँ, लेकिन लड़ने वाले तलवार नहीं छीनते, वार करते हैं। तेरा कहना सही है, मालूम होता है तू बहादुर है। मेरी फौज में भर्ती होगा? नहीं। तो अब मैं तुझे ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रखूंगा। ये रही मेरी तलवार। लेकिन ये बहादुरी नहीं है, मेरे पास ये चाकू है, इसी से लड़ूंगा। चाकू? हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने इसे तेज किया है, देखो ये इतना तेज है, मेरी उंगली से खून निकल सकता है, देखो। शाबाश, तैमूर के दिल में रहम नहीं है,
लेकिन तेरी बातें सुनकर मैं... इन बातों में क्या? चलाओ अपनी तलवार, मैं भागूंगा नहीं। भागेगा नहीं, तू बहादुर शेर है, मैं तुझ पर तलवार नहीं चला सकता। तू मुझसे भी ज्यादा बहादुर मालूम होता है, चाकू वाला बहादुर। तेरा नाम क्या है? दुश्मन नाम नहीं पूछता, वार करता है। लेकिन तेरी बहादुरी देखकर मैं तुझे दुश्मन नहीं मानता। तेरा नाम क्या है चाकू वाले? बलकरण। बलकरण, बलकरण। हिंदुस्तान की दौलत में तू भी एक दौलत है बलकरण। गाजी तैमूर एहसान नहीं भूलता, जो उसकी थकावट दूर करने के लिए दूध हाजिर कर सकता है उसके खून से वो अपनी तलवार नहीं रंगेगा, नहीं तो अभी तक मैंने तुझे साफ कर दिया होता। लेकिन दूध मैंने हाजिर नहीं किया, तुमने छीन लिया। एक ही बात है, दूध मैंने पिया। मैं तेरी जान बख्शता हूँ और तेरी एक मुराद पूरी कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, तू मेरा छोटा सा बहादुर दोस्त है चाकू वाला, और इस हैसियत से तेरा मुझ पर हक है। तो मेरी माँ कहाँ है? मैं नहीं जानता, मेरे सिपाहियों ने तेरी माँ को कत्ल भी ना किया होगा क्योंकि उनकी तलवारों पर खून का एक भी धब्बा नहीं था। आप मेरी मुराद पूरी करेंगे तो फिर आपसे मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे गांव से बाहर चले जाएं। गांव से बाहर चले जाएं? मंजूर है, मैं दूसरे गांव जाऊंगा। अपने छोटे बहादुर दोस्त की मुराद जरूर पूरी करूंगा। तेरा दूध और चाकू मुझे हमेशा याद रहेगा। धन्यवाद। मैंने कुछ समझा नहीं। खैर, तैमूर की जिंदगी में एक नई बात हुई। तैमूर के सामने कम लोग आते हैं, तू आया। तैमूर कम लोगों को माफ करता है, आज किया। वो काफिरों का खून पीता है, आज तुझसे छीन कर दूध पिया। ये एक करिश्मा है। मैं कुछ समझा नहीं। तैमूर की बराबरी करना चाहता है। लेकिन तू तैमूर से भी बड़ा है, तेरा चाकू उसकी तलवार से भी तेज निकला। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। सलाम। तेरे गांव को हाथ नहीं लगाऊंगा, सिपाहियों को हुक्म देकर वापस कर दूंगा। खुदा हाफिज। तैमूर बहादुरी को सलाम करता है। माँ, 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 माँ। बेटा, ओ मेरा बेटा, मेरा बच्चा बलकरण, बेटा मेरे बेटा। माँ, मेरे बच्चे। ए माँ, ए माँ, तू रोती क्यों है? तू कहाँ थी माँ? बेटा, बेटा तैमूर के सिपाही आए थे, उनसे बचने के लिए ठाकुर दादा मुझे तलघर में खींच के ले गए थे। बेटा तुझे तो कुछ नहीं हुआ ना? नहीं। कहीं चोट तो नहीं आई? मैं देखूं। नहीं माँ, कहीं चोट नहीं आई। तैमूर के सिपाहियों ने तो तुझे हाथ नहीं लगाया ना? जब खुद तैमूर हाथ नहीं लगा सका तो तैमूर के सिपाही कैसे हाथ लगाएंगे? तैमूर हाथ नहीं लगा सका? क्या क्या तैमूर यहाँ आया था? तुरक तैमूर? हाँ हाँ माँ, आया था। वो सारा दूध पी गया। बेटा वो लोग तो खून पीते हैं। पीते होंगे, लेकिन तैमूर ने तो सारा दूध पी लिया। तैमूर ने? तुरक ने? हाँ माँ, तूने तो मुझे झूठ बोला नहीं सिखलाया। नहीं बेटा, कैसा था तैमूर? तैमूर? सिपाही की तरह रूबीला चेहरा, मोटे मोटे हाथ, ऊंची नाक, हाथ में तलवार। लेकिन माँ, मेरे पास भी चाकू था, मैंने सवेरे ही उसे तेज किया था। उसकी तलवार के सामने तेरा चाकू किस काम आता बेटा? उसी चाकू ने तो उसे चौंका दिया। मुझे वो चाकू वाला बहादुर कहता था। अच्छा? मैंने कहा, हाँ? ये चाकू बड़ा तेज है, मैंने सवेरे ही उस पर धार चढ़ा रखी है। माँ, उसे मैंने अपनी उंगली चीर कर दिखला दी। देखो ये खून, ये खून, ये
बेटा उसने नहीं निकाला। हाँ तो मैंने ही उंगली चीर कर गिराया था। तेरी उंगली से खून अभी तो नहीं निकल रहा। उसकी कुछ चिंता नहीं माँ। तैमूर कहता था कि तेरा चाकू मेरी तलवार से भी तेज निकला। क्या क्या तूने चाकू से उस पर वार किया था? नहीं माँ। हाँ। मैं लड़ना चाहता था पर वही मीठी मीठी बातें करने लगा। इस तरह चलता था ये लंगड़ाकर। तैमूर खूंखार है लेकिन बहादुरी को सलाम करता है। बहादुर बच्चे को तैमूर का सलाम। वाह वाह, तू तो बिल्कुल तैमूरी बन गया। मैं लंगड़ा नहीं बनना चाहता माँ। हाँ बेटा, लंगड़ा कभी ना बने। तू सब तरह से फले फूले। तेरी उम्र दिन दूनी रात चौगुनी हो। हाँ, भगवान की बहुत कृपा कि उसने मेरे बच्चे की तैमूर से रक्षा की। ये सब तेरा आशीर्वाद है माँ। हाँ बेटा, आज तेरी वर्षगांठ है ना। अरे अरे, तुरक के सिपाहियों ने सारा घर तोड़ फोड़ डाला। हाँ? हाँ, तेरे लिए मैंने कितनी अच्छी अच्छी मिठाइयां बनाई थी, सब नष्ट हो गई। अब तेरी वर्षगांठ कैसे मनाऊं मैं? माँ, अपना आशीर्वाद भर दे दे। और क्या? और तू चंदन लगाने के लिए कहती थी ना। हाँ हाँ। मेरी उंगली के खून से रक्त चंदन बना ले। ओह मेरे बेटे। माँ। बेटा, ये पश्चिम में धूल कैसी उड़ रही है? क्या फिर कोई आ रहा है? तैमूर और उसके सिपाही गांव से बाहर जा रहे होंगे। वो तो गांव लूट रहे होंगे और आदमियों का खून बहा रहे होंगे। नहीं माँ, वे गांव से बाहर जाएंगे। मैंने जो कह दिया है। तूने कह दिया है? तेरा हुक्म वो क्यों मानने लगे? उनको मानना तो पड़ेगा ही माँ। तैमूर ने मेरी बहादुरी से खुश होकर मेरी एक बात पूरी करने को कहा है। अच्छा? मैंने कहा आप और आपके लोग इसी समय हमारे गांव से बाहर चले जाएं। तैमूर ने सोचा, फिर कहा मंजूर। सच? मैं दूसरे गांव जाऊंगा, अपने छोटे से बहादुर दोस्त की मुराद पूरी करूंगा। धन्य मेरे लाल, घर घर में ऐसे लाल हो। माँ, तब मेरी उंगली से खून लेकर मुझे तिलक कर दे। उंगली के खून का तिलक लगाऊं? यही सही मेरे लाल। वीर बालक की वर्षगांठ है ना, तेरी 12वीं वर्षगांठ ऐसे ही मनाई जाए। माँ। विजय पर्व। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार अभय भार्गव, मोहम्मद अयुब, बाबला कोचर, मंगत राम, वीना होरा, बीएल टंडन, बीआरएल सक्सेना और यमन कौशिक, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो। अजीत होरो। अजीत होरो।